और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब विधानसभा से जुड़ी। आपको बता दें जहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है, यहां पर अकाली दल ने जबरदस्त हंगामा किया है। नौबत यह है कि अकाली दल और कांग्रेस के बीच तीखी नोक झोंक हो रही है। इधर सिद्धू और शिरोमणि अकाली दल के विधायकों के बीच तीखी बहस हुई है। आज कई विधायकों को बीच बचाव तक करना पड़ गया और ये विधानसभा के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अचानक ये हालात बने हैं। हंगामे के बाद हालात ये बन गए कि विधानसभा को स्थगित करना पड़ गया। अब यहां पर हाथापाई की नौबत भी उत्पन्न हो जाती, लेकिन विधायकों के बीच बचाव के बाद स्थिति को संभाला जा सका। सीधा रुख करते हैं विशाल इंग्लिश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या हुआ, किस बात को लेकर इतनी तरह तरी? देखिए, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया का 36 का आंकड़ा है और उसी के चलते ही माहौल गर्माया हुआ था जब नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे थे, और उसके बाद जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अकाली विधायकों के ऊपर एक टिप्पणी कर दी, जिसके चलते अकाली विधायक काफी तैश में आ गए और उसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया और बात हाथों पाई तक जा पहुंची। लेकिन इससे पहले ही जो विधायक थे उन्होंने बीच बचाव कर दिया और हाथापाई की नौबत आने से बच गई, लेकिन हाउस को अडजर्न कर दिया गया और उसके बाद वो फिर से हाउस को जो शब्द मुख्यमंत्री ने कहे थे उसको लेके कहा जा रहा है कि कुछ सीनियर विधायकों ने सलाह भी दी और उसके बाद उनको एक्सपेंज कर दिया गया है और अब भी जो बैठक है वो स्पीकर के कमरे में चल रही है। ठीक है विशाल, लेकिन उस मसले पर क्या हुआ जो अधिसूचना केंद्र की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें दायरा 15 से 60 किलोमीटर तक बीएसएफ का बढ़ाने को लेकर, उसमें तो लग रहा था एक जुटता दिखेगी, प्रस्ताव भी पास हुआ, तो फिर ये स्थिति जो बनी है, अब इसके बाद क्या उस प्रस्ताव पर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद हो सकता है? देखिए, प्रस्ताव को अकाली दल ने हरी झंडी दे दी थी और सभी ने एक मत से प्रस्ताव को पारित किए जाने की बात भी कही थी, लेकिन जब प्रस्ताव का अंतिम चरण आ रहा था तो उसके पहले कृषि मंत्री ने प्रस्ताव के बारे में बोलना शुरू किया और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बोलने लगे, तो एक कम ही चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसी टिप्पणी कर दी जो अकाली दल के विधायकों को गवारा नहीं लगी और उन्होंने तैश में आकर नारेबाजी शुरू कर दी और दोनों, चाहे वो कांग्रेस के विधायक थे या फिर अकाली दल के।